बक्सर के शमशान घाट पर एक साथ जल रही हैं कई चिताएं। सौ के आंकड़े चिंताजनक। एक तरफ जहां भीषण गर्मी व लू से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं बक्सर के चरित्रवन स्थित शमशान घाट की स्थिति भयावह हो चुकी है। आए दिन जिस मुक्ति धाम में औसतन 30 से 35 सौ का अंतिम संस्कार होता था, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 90 से 95 हो गई है। शमशान घाट की स्थिति यह है कि दिन में जहां जिले भर में मौतें हो रही हैं, वहीं लोग रात्रि के समय सौदाह के लिए मुक्ति धाम पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी में दिन में कोई भी सौदाह के लिए मुक्ति धाम पहुंचना नहीं चाहता है। ऐसे में रात्रि के समय घाट पर शव रखने तक की जगह नहीं बच रहे हैं। शव के अंत्येष्टि में पहुंचे धनसोई थाना क्षेत्र के सुजातपुर गांव निवासी ऋषिकेश राय ने कहा कि इससे पहले वे कई बार शमशान घाट पर आ चुके हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति कभी नहीं देखी थी। उन्होंने कहा कि 2 घंटे के बीच लगभग 50 शव घाट पर आते देख वे चौंक गए हैं। अचानक शमशान घाट पर शव की संख्या बढ़ने से लोगों को असुविधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। लकड़ी और सौदाह के लिए जरूरी अन्य सामग्रियों की रेट लिस्ट भी नहीं लगाई गई है, जिसके कारण मनमानी वसूली हो रही है। हालांकि नगर परिषद के द्वारा पेयजल के लिए एक टैंकर की व्यवस्था आज से की गई। स्थिति शमशान घाट की बहुत भयावह है। क्या लगता है? अरे, हम 2 घंटा से ऊपर 2 घंटा लमसम हो गया हमको यहाँ पर आए हुए, और लाइन लगा हुआ है एकदम, लाश की लाइन लगी हुई है। काफ़ी संख्या में लोग दाह संस्कार किया। हाँ हाँ हाँ, देखने से क्या लग रहा है? ये देखने से लग रहा है कि यही कि मौसम की मार है, पर लू की सब चपेट में आ रहे हैं लोग। जिनको लू लग जा रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है कि हॉस्पिटल में जाए। हम सुजातपुर के हमारे बड़े भाई के ससुर जी हैं, वो इनका आज एक्सपायर कर गए दोपहर में। वो ठीक ठाक थे एकदम, बिल्कुल स्वस्थ थे और शुगर के मरीज थे, लेकिन और एक बार 1 घंटे के बाद फोन आया कि वो गुजर गए। तो आप लोग पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराए? नहीं नहीं, तो रोगी थे। हाँ, रोगी थे पहले से ही शुगर के। तो अब क्या नाम है आपका? हमारा नाम ऋषिकेश राय है। हम आए थे उसमें 15 थी, वो आए आके गिने हैं पूरी लाश को यहाँ पर, और एकदम क्रमशः संख्या बढ़ती चली गई, 50 हो गई है।